अस्सलामुअलैकुम। बकरीद सीरीज में आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल मटन बिरयानी। बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल बिरयानी की रेसिपी है ये। वीडियो आखिर तक देखिए और मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। ज़बरदस्त बिरयानी बनके रेडी हो जाएगी ये मज़ेदार मटन बिरयानी। आप इसे कल्याणी बिरयानी भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो बासमती चावल को हम अच्छे से पानी से धो लेते हैं। 3 से 4 बार धो लें। धोने के बाद इसमें पानी डाल के 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दें। देखिए पानी ज्यादा ले लें, आपके फिंगर डिप हो जाए उतना लें, तभी चावल अच्छे से खिले खिले बनेंगे। तो नेक्स्ट हम बिरयानी की यखनी बना लेते हैं। आप इसे यखनी भी कह सकते हैं या अखनी भी, आपकी मर्जी, क्योंकि चीज तो एक ही बनती है। इसके लिए हम 1 कप तेल गर्म कर लेते हैं। बिरयानी में तेल ज्यादा लगता है, अगर आपको तेल कम डालना हो तो आप आधा कप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। कल्याणी बिरयानी में ज्यादा स्पाइसेस का यूज नहीं होता है। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा सा दालचीनी का पीस, 5 से 6 लौंग और 4 इलायची। बहुत ही सिंपल और इजी बिरयानी है ये, कोई भी इसे बना सकते हैं। बैचलर्स और बिगिनर्स तो बहुत आसानी से बना सकते हैं इसे। इसीलिए इस ईद को आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, या उसके बाद आपका मन जब बिरयानी खाने को चाहा तो आप जरूर ट्राई करें। तेल गर्म हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें। बस 10 सेकेंड के लिए इन्हें सॉटे कर लें। 4 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। फ्लेम को हाई पे रखिए। प्याज का कलर देख सकते हैं आप, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। देखिए इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। फ्रेश डालिए और 5 टेबलस्पून डालिए, तभी बिरयानी मजे की बनती है। हाई फ्लेम पे इसकी कच्ची भुजाने तक भूनिए। अदरक लहसुन की कच्ची बू चली गई है, इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दें, इसे भी मिक्स कर लें। नेक्स्ट हम इसमें 1 किलो गोश्त डाल देते हैं। देखिए गोश्त यानी मटन, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेते हैं। गोश्त का कलर चेंज होने तक भूनते रहिए। इस तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनने पर ही बिरयानी मजेदार बनती है, और ना बिरयानी में ज्यादा टेस्ट नहीं आएगा। आप सभी चीज फ्रेश नहीं लेंगे और इसे सही से नहीं भूनेंगे तो। हैदराबाद में कल्याणी बिरयानी बीफ में बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे मटन में बना रही हूँ। आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल में कल्याणी बिरयानी चिकन में भी आपको मिल जाएगी। जस्ट टाइप करें कल्याणी बिरयानी बाय कुक विद फेम। अच्छे से भून लें। तो जो कल्याणी बिरयानी है मैंने चिकन में जो बनाई थी, बहुत से लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था, उसे काफी मिलियंस में व्यूज आए हैं, तो आप लोग भी इसे जरूर देखें। गोश्त को 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें थोड़े मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले डालिए 2 या 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर 2 टीस्पून। फ्लेम को आप मीडियम पे रखिए, थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लें। अगर आप पानी नहीं डालेंगे जब ये मसाले डालते हैं तब, तो ये जो अखनी है कड़वी हो जाती है। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छे से। इन मसालों को भूनने के बाद नेक्स्ट हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। 4 मीडियम से थोड़े बड़े साइज के टमाटर अच्छे से काट के डाल दें। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक भूनते रहिए। थोड़ी देर फ्लेम को हाई पे रखिए, थोड़ी देर लो पे भी रख सकते हैं आप। टमाटर तो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट
हम फ्लेम को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें 250 ग्राम यानी 250 ग्राम दही डाल देते हैं। दही को भी अच्छे से फेंट के डालिए, वरना दही फट सकता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को अब ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डालिए थोड़े से धनिया, पुदीने के पत्ते और 5 या 6 हरी मिर्च। इसे भी मिक्स कर लें। आखिर में इसमें 1 नींबू का जूस डाल दें, यानी लेमन जूस। अब इसे हम बहुत अच्छे से भून लेते हैं। दही की कच्ची बू जाने तक भूनते रहिए, ऐसे ही हाई फ्लेम पे। नमक मुझे कम लग रहा है, थोड़ा डाल देते हैं। इसे मैंने अच्छे से 5 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लिया है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर लिड बंद कर देते हैं और विजिल लगा देते हैं। हाई फ्लेम पे 1 सीटी यानी 1 विजिल आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें। एक 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त गल जाएगा। गोश्त को लेकिन 90% तक ही गलाना है, 100% नहीं, क्योंकि बाद में दम में यानी चावल के साथ जब हम दम देंगे तब वो 10% गलेगा। इस बारे में यानी गोश्त के बारे में ख्याल रखिए, अगर आप ज्यादा गलाएंगे तो बिरयानी में गोश्त टूट जाएगा। गोश्त तो हमारा अच्छे से गल चुका है, अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। अगर ये यखनी पतली रहेगी तो बिरयानी सही से नहीं बनेगी। बिरयानी के जो चावल है वो सॉफ्ट हो जाएंगे दम के दौरान, इसीलिए इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। चलिए ये तो रेडी है, देखिए इस तरह से इसे ड्राई कर लें। कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए इसकी, ये परफेक्ट है। फ्लेम बंद कर देते हैं और हम अब चावल बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। फ्लेम बंद कर दें। एक वेजल में 5 या 6 लीटर पानी रख दें बॉईल होने के लिए। इसमें हम चावल पकाएंगे। फ्लेम को हाई पे रखिए और इसमें हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए 3 से 4 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के पीसेस, 3 इलायची और 5 लौंग, 1 टेबलस्पून तेल। इससे चावल स्टिक नहीं होंगे यानी अच्छे से खिले खिले बनेंगे। 1 टीस्पून शाजीरा, शाजीरा अगर आपके पास ना हो तो ना डालें, नो प्रॉब्लम। नमक, 1/2 नींबू का जूस, इससे चावल का कलर अच्छा आएगा। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते। इस तरह से ये सभी इंग्रेडिएंट्स डालने से इसकी खुशबू पानी में आ जाएगी और पानी से चावल में, चावल में बहुत अच्छी खुशबू आएगी इस तरह करने से। इसे मिक्स कर दें। आप इस पानी को चखे देख लें नमक के लिए। जब आप इसे चखेंगे तो इसमें नमक इतना होना चाहिए जितना के सूप में होता है, तभी चावल में नमक सही होगा। और जब इसमें उबाल आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। ये तो अच्छे से बॉईल हो रहा है, इसमें हम भीगने रखे हुए चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसे 1 या 2 बार मिक्स कर लें, ज्यादा मिक्स ना करें वरना चावल टूट जाएंगे। फ्लेम को हाई पे ही रखिए चावल पकते वक्त, अगर लो पे रखेंगे तो चावल सही से नहीं पकेंगे। बस एक 5 से 7 मिनट में ही चावल रेडी हो जाएंगे। इन्हें हम जस्ट एक 80-90% तक ही पकाना है, दम में बाकी पक जाएंगे। चावल देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितने अच्छे से सेवइयों की तरह लग रहे हैं और अब ये रेडी है। देखिए फ्लेम बंद कर दें और इसे हम निथार लेते हैं, यानी ये जो पानी है इसे निकाल दें, फिल्टर कर दें। आपको जाना है ये चावल का ब्रांड कौन सा है तो कमेंट में पूछिए, जरूर बताऊंगी, क्योंकि ब्रांड नेम वीडियो में बताना अलाउड नहीं है। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स को नाम मालूम है, जो नए हैं वो आप पूछ सकते हैं। बिरयानी का आखिरी स्टेप, अभी एक बड़े से वेजल में जो मटन की ग्रेवी हमने बनाई थी इसे डाल देते हैं। इस तरह से स्प्रेड करके डाल दें। इसके ऊपर थोड़े से
धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें। मैंने 4 से 5 बड़े साइज की प्याज को डीप फ्राई करके रख लिया था, इसे भी डाल दें इसके ऊपर। प्याज को किस तरह से डीप फ्राई करते हैं, क्रिस्पी बनाते हैं, इसका वीडियो भी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब सर्च में टाइप करें क्रिस्पी फ्राइड अनियंस बाय कुक विद फेम, वीडियो मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर हम चावल का लेयर डाल देते हैं। इस तरह से चावल का लेयर डालने के बाद हम इसमें 2 या 3 टीस्पून घी डाल देते हैं। फ्राई की हुई प्याज, धनिया और पुदीने के पत्ते। वीडियो के नीचे देखिए इस तरह से सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा, उसे प्रेस कर दें। जैसे ही आप प्रेस करेंगे देखिए एक बेल आइकॉन नजर आएगा, इसे भी प्रेस कर दें। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन, 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल प्रेस कर दें, तभी आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, वो भी फ्री। थोड़े से गर्म दूध में मैंने जाफरान को मिक्स कर दिया था, इसे इंग्लिश में सैफ्रॉन कहते हैं और हिंदी में केसर। इस तरह से मिक्स करने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और दूध का कलर भी येलो हो जाता है। इसे डाल दें। जाफरान 3 या 4 चुटकी ले लें। अगर आपके पास जाफरान ना हो तो दूध में थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। बिरयानी तो दम पे रखने के लिए रेडी है। इसको हम एल्यूमिनियम फॉइल के साथ सील कर देते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल ना हो तो आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गूंदा हुआ आटा। इस तरह से इधर लगा दें आटा और उसके ऊपर लिड बंद कर दें। या आप एक कॉटन का कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े को ऊपर इधर रख दें और लिड बंद कर दें। इस तरह से सील करके दम देने से जो स्टीम अंदर डेवलप होती है दम के दौरान वो बाहर नहीं जाती और चावल की जो खुशबू है वो अंदर ही अच्छे से रह जाती है, चावल गोश्त भी साथ में पकते हैं। दम देने के लिए सबसे पहले स्टोव के ऊपर हमें पुराना तवा रख देते हैं। मैं हमेशा पुराना तवा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस तरह से दम देने से तवा खराब हो जाता है, अगर आप नया तवा लेंगे तो तवा खराब हो जाएगा। और इसके ऊपर ये बिरयानी का वेजल रख दें। बिरयानी का वेजल तवे के ऊपर रखने के बाद फ्लेम को 5 मिनट के लिए हाई पे रख दें ताकि जो हीट है तवे के जरिए से इस वेजल के अंदर एंटर हो जाए। 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो पे रख दें और हम लो फ्लेम पे इसे ऐसे ही दम पर एक 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। इस पे लिड बंद कर दें और 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो पे रखने ना भूलें, 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को लो पे रख दें 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास तवा ना हो, क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि तवा ना हो तो क्या करें, तो ये जो वेजल है ये बहुत ही ज्यादा थिक होना चाहिए। अगर थिक वेजल हो तो आप बिना तवा के भी दम कर सकते हैं। तवा इसलिए रखते हैं ताकि बिरयानी नीचे से ना पकड़े। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड ओपन करके देख लेते हैं। फ्लेम बंद कर दें। इसे निकाल दें। देख सकते हैं आप स्टीम कितनी अच्छे से फॉर्म हो चुकी है, यानी हमारी बिरयानी भी तैयार है। धीरे से देखिए, कितनी जबरदस्त लग रही है, देख सकते हैं ना। मटन पीस भी देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुका है और काफी टेस्टी है और इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा घर खुशबू से महक रहा है। एक 10 मिनट के लिए इसके ऊपर फिर से लिड बंद करके हम इसे अनडिस्टर्ब रख देते हैं, उसके बाद प्लेट में निकाल के सर्व करें। बिरयानी के साथ जो दही की चटनी और बघारे बैगन खाते हैं उन दोनों के भी रेसिपीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल में। जस्ट टाइप करें बघारे बैगन में कुक विद फेम और दही की चटनी बाय कुक विद फेम, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, जरूर देखिए। वो भी बिरयानी के साथ बहुत मस्त होते हैं वो।
कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी आज की सिंपल और इजी मटन बिरयानी कैसी लगी। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम।